नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं किरण रावत। उत्तराखंड से बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अब तक खबर थी कि उत्तराखंड में चंपावत सदर के एसडीएम अनिल चन्याल रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं, तो वही बड़ी खबर सामने आई है कि एसडीएम सदर अनिल चन्याल शिमला में सकुशल मिल गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य कारणों के चलते और शांति की खोज में एसडीएम सदर अनिल चन्याल कहीं चले गए थे। बता दें कि सोमवार से जिला प्रशासन और पुलिस में एसडीएम के लापता होने से हड़कंप मचा हुआ था, तो वही एसडीएम की लोकेशन शिमला में मिलने और उनसे बात होने के बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। देखिए रिपोर्ट। बता दें कि सोमवार से लापता चंपावत एसडीएम सदर अनिल चन्याल शिमला में सकुशल मिल गए हैं। सोमवार से जिला प्रशासन और पुलिस में एसडीएम के लापता होने से ही हड़कंप मचा हुआ था। एसडीएम की लोकेशन शिमला में मिलने और उनसे बात होने के बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बीते सोमवार को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीमों ने रात भर सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद सुबह 10 बजे जानकारी मिली कि एसडीएम शिमला में है। इससे पूर्व एसडीएम ने अपने आवास में एक पत्र भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने सरकारी फोन को जमा कर देने की बात लिखी थी। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि स्वास्थ्य कारणों के चलते एसडीएम सदर अनिल चन्याल कहीं चले गए थे, जिसके बाद आज उनसे बात हो गई है। वह इस वक्त शिमला में है। साथ ही बताया कि कल तक एसडीएम चंपावत पहुंच जाएंगे। सैटरडे संडे को आपको पता है पिछले छुट्टी थी, तो उसके बाद जब मंडे तो जब पता चला कि एसडीएम साहब किसी कारणवश नहीं है, तो कोई अन्यथा कोई दुर्घटना ना हुई हो इस संभावना को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रशासन और पुलिस एक्टिवेट हुए, ताकि उनके मतलब कुशलता के लिए, ताकि अगर कहीं ट्रैक पे गए हों ऐसा कुछ हो और वो नहीं आए अगर, तो उनके फिर आज फिर उनका फ़ोन स्विच ऑफ था, तो फिर आज सुबह टीम से उनकी वार्ता हुई और उसके बाद मुझसे और पुलिस से भी सबसे उनकी वार्ता हुई, तो वो स्वस्थ हैं और ये अच्छी खबर है हमारे लिए, प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, शासन के लिए। और दूसरा, वो लौट रहे हैं और उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य परीक्षण के कारण उनको तत्काल जाना पड़ा, और जब वो लौटेंगे तो हम उनसे एक बार डिटेल में 1-to-1 बात करेंगे और तब आपको ज़्यादा जानकारियाँ मिल पाएंगी। फिलहाल वो स्वस्थ। लोकेशन अभी मैंने उनसे पूछा नहीं, लेकिन अभी उनसे ये कहा गया कि आप जल्दी लौटें, और उन्होंने वो जल्दी लौट रहे हैं, उसके बाद सारी डिटेल होंगे।